सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख ना, तो इनमें मरने का काम है। गैंगस्टर की कहानी दिखाई जाएगी फिल्म में, क्या 25 कहानियां होंगी एक फिल्म में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। 2017 में विक्रम वेधा नाम की तमिल फिल्म आई थी। इसमें आर माधवन और विजय सेतुपति ने काम किया था। इस फिल्म को उसी टाइटल के साथ हिंदी में रीमेक किया गया है। इसमें सैफ अली खान और ऋतिक रोशन लीड रोल्स कर रहे हैं। विक्रम वेधा की कहानी विक्रम बेताल की लोक कथा से प्रेरित है। उसे बेताल 25 भी कहा जाता है। ये 25 कहानियों का संग्रह है जो बेताल राजा विक्रमादित्य को सुनाते हैं। ये फिल्म विक्रम नाम के पुलिस वाले और वेधा नाम के गैंगस्टर की कहानी है। विक्रम चीजों को सही या गलत मानता है, मगर वेधा सही गलत के बीच वाले स्पेस में रहता है, जिसे अमूमन ग्रे रंग से चिन्हित किया जाता है। वेधा का उत्पात शहर में बढ़ चुका है। विक्रम उसे आर्च नेमेसिस मानता है। उसे पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए एक दिन वेधा खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। पूछताछ के दौरान वो विक्रम को 3 अलग अलग कहानियां सुनाता है। हर कहानी का अंत एक पहेली नुमा सवाल से होता है। विक्रम उस सवाल का जवाब देता है। वेधा उसके जवाब पर अमल करते हुए क्राइम करता है। इस सवाल जवाब की प्रक्रिया में वेधा सही गलत के प्रति विक्रम का नजरिया बदल देता है। यही इस फिल्म की बुनियादी कहानी है, जिसमें ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, फैमिली एंगल और पुलिस अपराधी के बीच चूहे बिल्ली का खेल देखने को मिलता है। विक्रम वेधा में विक्रम यानी पुलिस वाले का रोल किया है सैफ अली खान ने। वेधा बने हैं ऋतिक रोशन। हीरो और दूसरे हीरो के बीच फेस ऑफ सीक्वेंस, फैंसी एक्शन ब्लॉक्स। वेधा का किरदार कानपुर से आता है, इसलिए ऋतिक रोशन थोड़ी यूपी बिहार वाली एक्सेंट में बात करते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें टीजर में देखकर ऐसा लगता है कि सुपर 30 के आनंद कुमार क्राइम की दुनिया में आ गए। ऋतिक शायद अपने करियर में पहली बार ऐसा कोई किरदार निभा रहे हैं जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होते भी फुल ऑन फिल्मी है। और टीजर देखकर मालूम हो रहा है कि उन्हें एकदम सुपरस्टार वाले अंदाज में प्रेजेंट किया गया है, जो कि फिल्म के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। पहले विक्रम वेधा में सैफ अली खान और आमिर खान काम करने वाले थे, मगर किन्हीं वजहों से आमिर ने ये फिल्म करने से मना कर दिया। उनकी जगह ऋतिक रोशन कास्ट कर लिए गए। 2002 में आई ना तुम जानो ना हम के बाद ये दूसरी फिल्म होगी जिसमें ऋतिक को और सैफ को एक साथ देखा जाएगा। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज।